हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीआईडी टेक पे। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्डिनो के एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम के बारे में। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बताना चाहूँगा दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम को आर्डिनो में अपलोड करेंगे और उसका आउटपुट चेक करेंगे कि किस तरीके से आउटपुट आता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले आर्डिनो के और वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि आपके पास आपका खुद का आर्डिनो होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्डिनो ओनो बोर्ड और ये जो एप्लीकेशन है जहाँ पर हम लोग प्रोग्राम करेंगे ये है आर्डिनो आईडी। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद एक न्यू एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग फाइल में जाएंगे। एग्जाम्पल में जाने के बाद में हम लोग एक ब्लिंक बेसिक में से प्रोग्राम में से एक ब्लिंक एलईडी प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो है हमारा ब्लिंक का एक प्रोग्राम यहाँ पे आ चुका है। इसको ऊपर जो कमेंट है उसको डिलीट कर देते हैं। ये जो यहाँ पे एलईडी बटन लिखा हुआ है, ये जो ऑन बोर्ड एलईडी है पिन नंबर 13 पे होता है आर्डिनो ओनो में, तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है, हम डायरेक्टली इसी प्रोग्राम को क्या करेंगे, अपलोड करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है करके, एलईडी ऑन बोर्ड एलईडी ग्लो होता है या नहीं। मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम इसमें फेच कर के रखा हुआ है, दैट्स वाई ये एलईडी ग्लो कर रहा है। यहाँ पे आर्डिनो के साथ मैंने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे कोई भी प्रोग्राम को। प्रोग्राम बनाने के बाद कंपाइल में हमें पता चलता है कि प्रोग्राम हमारा गलत है या सही है करके। देखिए, डन कंपाइलिंग करके आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ से ये जो है अपलोड बटन है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर से कंपाइल होगा प्रोग्राम और उसके बाद में अपलोड होना चालू हो जाएगा। देखिए, अपलोड होना चालू हो चुका है यहाँ पे, डन अपलोडिंग, और ये हमारा जो पिन नंबर 13 वाला एलईडी है ये बन चालू होना चालू हो चुका है। तो ठीक है, ये ऑन बोर्ड एलईडी है और पिन नंबर 13 पे ये इंटरनली लिंक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि पिन नंबर 13 पे ये जो हम एक्सटर्नल एलईडी इसमें लगाएंगे ये ग्लो होता है या नहीं। मैंने यहाँ पे ब्रेडबोर्ड ले लिया है। एलईडी का एनोड जो है मैं यहाँ पे कैथोड पहले ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लूंगा और एनोड जो है यहाँ पे पिन नंबर 13 पे कनेक्ट कर लूंगा। एनोड मीन्स पॉजिटिव, कैथोड मीन्स नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों एलईडी के टर्मिनल कनेक्ट कर ली। देखिए, पिन नंबर 13 पे एलईडी ऑन ऑफ होना चालू हो गया है, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है प्रोग्राम में, एलईडी बटन लिखा है। ठीक है, ये एलईडी जो बिल्ट इन है उसके बारे में लिखा, सॉरी, एलईडी बिल्ट इन के बारे में लिखा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा हमें पता है पिन नंबर 13 पे वो एलईडी ऑन बोर्ड एलईडी है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पिन नंबर 13 लिख कर देखते हैं। ठीक है, पिन नंबर 13 पे ही ये काम करता है, ऐसा चेक करेंगे। तो खुद से ही आप अपने मन से ही प्रोग्राम को एडिट कीजिए, उसको अपलोड करके देखिए कि आउटपुट क्या आता है। यही सही तरीका है आर्डिनो सीखने का। ठीक है, प्रोग्रामिंग सीखने का। यहाँ पे मैंने अभी ये एलईडी बिल्ट इन को यहाँ से हटा दिया है यहाँ से, और ये पिन नंबर 13 पे एलईडी को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, मैं आपको पहले ये प्रोग्राम समझा देता हूँ। ये जो वॉइड सेटअप है इसमें क्या करते हैं हम लोग, वॉइड सेटअप में जो आर्डिनो के ये पिन्स हैं, इन पिन को हम लोग डिक्लियर करते हैं। वो आउटपुट हमें उनसे आउटपुट लेना है या इनपुट लेना है, यहाँ पे पिन मोड में मैंने लिखा है पिन नंबर 13 आउटपुट, राइट। तो हमने पिन नंबर 13 को आउटपुट डिक्लियर किया है। और वॉइड लूप में क्या करते हैं, उस पिन पे करंट कितने देर के लिए हाई चाहिए हमें और कितने देर के लिए लो चाहिए हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं। कोई भी पिन कितने समय के लिए हाई चाहिए या फिर लो चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें वॉइड लूप में आती है। लूप में इफ एल्स कंडीशन, सारी कंडीशन हम लोग वॉइड लूप में लिखते हैं, और जो भी पिन डिक्लेयर करना है, इनपुट है आउटपुट है, वो हम करते हैं वॉइड सेटअप में। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिन नंबर 13 लिख दिया है, फिर से अपलोड करता हूँ मैं प्रोग्राम। कंपाइल होना चालू हो गया है प्रोग्राम। कंपाइल होने के बाद में ये अपलोड होगा। देखिए, अपलोडिंग चालू हो चुकी है। ये फिर से अपलोड होने के बाद में हमारा पिन नंबर 13 पे एलईडी ऑन ऑफ होना शुरू हो चुका है, राइट। इट मींस पिन नंबर 13 पे ऑनबोर्ड एलईडी है। हम लोग पिन नंबर 13 भी लिख सकते हैं या फिर एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और एडिट करके चेक करेंगे कि हम लोग इसमें क्या फेरबदल कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंट एलईडी इक्वल टू पिन
पिन नंबर 12। अब मैं क्या करूंगा, पिन नंबर 12 को आउटपुट पिन बना के आपको ये जो एलईडी है पिन नंबर 12 से ग्लो करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे भी डायरेक्टली पिन नंबर 12 लिख सकता था, लेकिन मैं पहले ही इंट एक वेरिएबल देके इसको एलईडी को पिन नंबर 12 को ऊपर डिक्लेयर करा दिया। अब ये एलईडी वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये वाला प्रोग्राम हमारा काम करता है या नहीं। फिर से प्रोग्राम यहाँ पे हमारा कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने के बाद में अपलोड हो चुका है। देखिए एलईडी ग्लो होना बंद हो गया क्योंकि पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, इसको पिन नंबर 12 पे कनेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा इस प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट है, हमने क्या किया, एलईडी को पिन नंबर 12 को पहले ही एलईडी पे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, एलईडी इक्वल टू पिन नंबर 12। यहाँ पे फिर हमने एलईडी अंदर लिख दिया है लूप्स में। ये देखिए, पहले मैंने रॉन्ग कनेक्शन किया था यहाँ पे, पिन नंबर 11 पे जोड़ दिया था, इसको अभी पिन नंबर 12 पे कनेक्ट करने के बाद फिर से एलईडी ब्लिंक होना चालू हो चुका है, राइट। देखिए ऑनबोर्ड एलईडी ग्लो है बट बन चालू नहीं हो रहा है, लेकिन पिन नंबर 12 पे हमारा जो एलईडी है, हमने उसको जो आउटपुट डिक्लेयर करा है पिन नंबर 12 को, वो बन चालू होना चालू हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें डिफरेंट, और हम ये देखेंगे इस प्रोग्राम में। अब क्या करेंगे हम लोग, डिले यहाँ से 5000 का कर देंगे, 5000 मिलीसेकंड्स का, ठीक है, जो डिले है। अब इसको अपलोड करके देखते हैं कि अभी हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो पिन नंबर 12 है वो 5000 मिलीसेकंड के लिए हाई रहेगा। इसका मतलब है डिजिटल राइट एलईडी हाई, डिले 5000 मिलीसेकंड्स। उसके बाद में होगा एलईडी लो होगा, डिजिटल राइट एलईडी लो, जो डिले है 1000 मिलीसेकंड। देखिए एलईडी ग्लो कर रहा है 5000 मिलीसेकंड तक, ग्लो करेगा, बंद हो गया वन मिलीसेकंड के लिए, ठीक है। ये फिर से ग्लो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिले है हमने यहाँ पे लिखा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इंट करके टाइम को ऊपर क्लियर इक्वल टू देके डिले को यहाँ लिख देंगे 1000 मिलीसेकंड का, और यहाँ से जो डिले है ये इसको डिलीट कर देंगे। देखते हैं फिर हमारा एलईडी वैसे ही काम करता है या नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे हम डिले हटा दिया और हम ये डिले को यहाँ पे कॉल कर लिया, जो ऊपर इंट में हमने टाइम लिखा था 1000 मिलीसेकंड का, ये हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो ये सेम प्रोग्राम है, लेकिन उसको डिफरेंट वे में इसमें इस प्रोग्राम में हमने लिखा है, और हमने आर्डिनो में फेच करके हमने आउटपुट चेक किया कि हमारा सही आता है या नहीं। देखिए 1000 मिलीसेकंड का टाइम हमने यहाँ पे कॉल किया, फिर से हमारा वही 1000 मिलीसेकंड के लिए आ गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका मेरे चैनल पर ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे दोस्तों, प्लीज वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।